मौसम की बेरुखी ने सोयाबीन के किसानों को इस साल फिर झटका दे दिया है। असमान बारिश के चलते पहले ही सोइंग लक्ष्य से आधी से भी कम हुई थी। जो बोया था उसके उत्पादन पर बहुत ज्यादा असर हुआ है। औसतन किसान एक एकड़ में 8 क्विंटल सोयाबीन का उत्पादन कर रहे थे, जो इस बार घटकर आधा रह गया है। कुछ जगहों पर तो 1/4 ही आता है। दरअसल सोयाबीन के दगा देने का सिलसिला सहकारी समितियों से मिलने वाले बीज के साथ ही शुरू हो गया था। इस साल शासन स्तर पर सोयाबीन का बीज वितरण नहीं किया गया। किसानों ने मार्केट से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल बीज खरीदकर सोइंग की थी। सोइंग के बाद 15 दिन के सूखे ने नुकसान किया। इस कारण से एक एकड़ में जो सोयाबीन 8 बोरा निकलता था, वो अब थ्रेशिंग होने के बाद 2 से 4 बोरा तक सिमट कर रह गया। इसके अलावा दाना पुष्ट न होने के कारण, क्वालिटी में गिरावट होने के कारण दाम मिलने पर भी संशय बना हुआ है। वहीं दमोह जिले में इस बार सोयाबीन का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा 1,25,000 हेक्टेयर में सोइंग का निर्धारित किया गया था, जिसमें से महज 55,000 हेक्टेयर में ही सोइंग हो पाई है। महज 44% सोइंग जिले में लक्ष्य के आधार पर हुई थी, जिसमें से महज 22% ही सोयाबीन का उत्पादन हो पाया है, जिससे फिलहाल किसानों को घाटा होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।